वालों के सपने हकीकत में बदलने जा रहे हैं और 2026 के होने वाले परिसीमन में विधायकों की संख्या 120 तक हो जाएगी, जो कि अभी 90 है। साथ ही लोकसभा सदस्यों की संख्या में भी इजाफा होगा, जो कि 10 है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि 2026 में विधायकों की संख्या बढ़ने पर उनको सीट देना इस विधानसभा में मुमकिन नहीं है, इसीलिए वो एक नए विधानसभा भवन बनाने पर विचार कर रहे हैं। गुप्ता ने बताया कि 1966 में हुए बंटवारे में उनको जो हिस्सा मिला था उतने कमरे भी आज तक नहीं मिल पाए हैं। गुप्ता ने कहा कि हम हरियाणा की विधानसभा को ई विधानसभा बनाने जा रहे हैं, इसीलिए अब एक नए स्वरूप में सीटिंग सिस्टम बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधायकों की सीट पर स्क्रीन एवं माइक लगा होगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि अब विचार यही चल रहा है कि हरियाणा विधानसभा का भवन बड़ा हो और इसीलिए अब योजना पर कार्य करना शुरू होना चाहिए। सुनिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कहा। देखिए, हरियाणा विधानसभा की स्थिति को देखते हुए और आने वाले वर्ष 2026 में परिसीमन को देखते हुए मुझे लगता है कि आज इस बात की आवश्यकता है कि 2026 को ध्यान में रखते हुए अभी से योजना बनानी चाहिए, जो 2026 के बाद विधायकों की संख्या 90 से बढ़ करके 126 होने की संभावना है। आज हमारी जो परिस्थिति है विधानसभा की भवन की, उसमें 90 से ज़्यादा एक भी विधायक ज़्यादा बिठाना बड़ा मुश्किल है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आज हमें चंडीगढ़ के अंदर एक नया विधानसभा भवन, उसके लिए अभी से योजना बनाई जाए और उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा है, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को भी मैंने पत्र लिखा है, श्री ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको भी और आदरणीय अमित शाह जी से भी, उनका मार्गदर्शन और उनके सहयोग की अपेक्षा मैंने की है कि उनका मार्गदर्शन मिले कि हम इसके ऊपर किस प्रकार से आगे चलें। तो मैं समझता हूँ कि जो आज की परिस्थिति है विधानसभा के अंदर, हमारी जो सब कमेटीज़ हैं, विधानसभा की समितियाँ बनी हुई हैं, उनके पास उनके जो चेयरमैन हैं उनके पास बैठने की जगह नहीं है, विधानसभा के अंदर बैठक करने की, विधानसभा समितियों की बैठक करने की जगह नहीं है, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके पास जो कमरा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, हमारे जो सभी मंत्री हैं उनके पास किसी के पास भी सिवाय एक मुख्यमंत्री जी के और किसी के पास कोई कमरा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस समय की मांग को देखते हुए, जैसे अब हम विधानसभा को ई विधानसभा बनाने जा रहे हैं, ई विधानसभा बनाने के लिए भी हमें स्थान की बहुत आवश्यकता है। तो इन सभी कमियों को देखते हुए मुझे आज लगता है कि हमें आज से ही एक नया हरियाणा का विधान भवन जो है वो बनाया जाए और उसकी प्रक्रिया अभी से शुरू की जाए। परिसीमन जो 2026 के अंदर परिसीमन होने वाला है और हमें उम्मीद है कि 2026 के अंदर जो हरियाणा विधानसभा की सीटें हैं वो 90 से बढ़ करके 126 हो जाएंगी और लोकसभा की 10 से बढ़ करके 14 हो सकती हैं। तो उस दृष्टि से 126 विधायकों को बैठने के लिए स्थान कम से कम आज की जो विधानसभा है इस विधानसभा के अंदर होना संभावित नहीं है। तो सर, चंडीगढ़ प्रशासन से इसको लेकर कोई बातचीत हुई हो, कोई कदम आगे बढ़ा हो? नहीं, देखिए, ये एक मैंने अपनी तरफ से एक विषय मैंने निकाला है सबके ध्यान को दिलाने के लिए कि हमें उनका सहयोग, उनके इसके ऊपर विचार किए जाए और आगे इसके बारे में उनका मार्गदर्शन और उनका सहयोग मिले, इस विषय को लेकर के मैंने ये बात की है। सर, कई बार आपकी ओर से ये कहा गया है कि हरियाणा को उसके हक का जो है, जो परिसर में जो हक है वो मिलना चाहिए, तो उस पर भी कुछ आगे कुछ निकल के आया सर? जैसा आपको विदित है कि हमने जो पिछला सत्र था उस सत्र के अंदर विधानसभा में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए और उसी को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल
आदरणीय जो पंजाब के राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं श्री वीपी बदनौर जी, उनसे मिला था और उनसे हमने निवेदन किया था कि जो हमारा हक है वो हमें दिलाया जाए, और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया था कि इसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई। हाँ, एक उनकी तरफ से एक अधिकारी जो वो पुरानी प्रोसीडिंग्स हैं 1966 की विभाजन की, वो उनके पास कोई प्रोसीडिंग नहीं है, ऐसा उनका कहना था, अगर आपके पास है दे दीजिए। हमने वो सारी कार्रवाई, बैठक की कार्रवाई, ये जो प्रोसीडिंग्स थी वो उनको सौंप दी हैं, जिसके अंदर स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि ये एरिया हरियाणा विधानसभा का होगा, ये पंजाब का होगा, ये कमरे पंजाब के होंगे, उनका नंबर दिया हुआ है कि जो कमरे पंजाब के हैं और ये कमरे जो हैं वो हरियाणा के हैं। तो उस दृष्टि से जो 20 के लगभग कमरे हैं वो हमें मिलने चाहिए। आज जो हमारी परिस्थिति जो हमारी है, मैं समझता हूँ अगर वो स्थान मिलता है थोड़ा उसके अंदर हमें कुछ राहत मिलेगी। सर, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के जो है टेबल्स जो हैं वो काफ़ी नीचे हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव होगा, उसी तरह विधायकों के लिए भी जो है कुछ माइक जो है उसमें भी बदलाव किया जाए। देखिए, जैसा हमने कहा है कि हम हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाने जा रहे हैं, और उसकी दृष्टि से कई हमें जो चेंजेस हैं अपनी विधानसभा के अंदर करनी पड़ेगी, क्योंकि ई विधानसभा के लिए लैपटॉप चाहिए। एक लैपटॉप इन बिल्ट जो है वो टेबल के अंदर फिक्स होना चाहिए, और जब विधानसभा का सत्र हो वो लिंक मिल जाए और वो सारे, और उस उन जो लैपटॉप हैं उनके अंदर सारी जो मटेरियल है, जो सारी सूचनाएं हैं उसके अंदर वो अपने आप उसके अंदर चली जाएंगी। इसके अलावा एक जो डिफ़िकल्टी पीछे आई थी कि जो हमारे विधायक हैं उनको बैठ बोलने के लिए जो अब माइक लगे हुए हैं छोटे लगे हुए हैं, उसकी हाइट जो है वो कम है, वो हाइट बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी हमने कल विचार किया है। और इसके साथ साथ जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या वित्त मंत्री हैं, उनको कई बार घंटों घंटों बैठ करके खड़े होकर के बोलना पड़ता है। तो उस दृष्टि से आज इस युग के अंदर हाइड्रोलिक टेबल आ गए हैं जिसको ऊपर भी किया जा सकता है, नीचे भी किया जा सकता है। तो वो मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल, क्योंकि इसका ये 2026 तक इस विधानसभा का दोबारा से मैं समझता हूँ कहीं और स्थान होगा, लेकिन अब हम दो टेबल जो हैं, एक तो वित्त मंत्री जी का और एक मुख्यमंत्री जी का, वो टेबल जो है हम हाइड्रोलिक टेबल बना करके उसको बना रहे हैं। और मेरी तो इच्छा ये है कि सभी टेबल जो है ना उसी प्रकार से होने चाहिए, हाइड्रोलिक होने चाहिए, ताकि खड़ा होकर के किसी सदस्य ने भी अगर कोई ज़्यादा समय बोल रहा है तो वो खड़ा होकर के अच्छे ढंग से अपनी बात रख सके। सर, आखिरी सवाल ये है कि विधानसभा का जो बजट सत्र है वो कब तक संभावित है और विधानसभा उसको लेकर क्या तैयारी? ये जो मानसून सत्र है, मैं समझता हूँ कि जुलाई या अगस्त के, जुलाई के लास्ट वीक या फर्स्ट अगस्त के अंदर हो, अगस्त के पहले, लेकिन उसका निर्धारण सरकार करेगी, मुख्यमंत्री जी या आदरणीय हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं, ये उनकी तरफ से जब कोई प्रस्ताव आएगा तो उसके ऊपर हम सत्र बनाने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।